4000 मिलता था, आज कितना मिलता है? 2000। बताओ कितना मिलता है? 2200 मिलता था, भाव अंतर आने के बाद वो 200 रुपया भी गए। ये भाव अंतर योजना नहीं है शिवराज सिंह जी, ये शिवराज सिंह जी का भ्रष्टाचार अनंत योजना है। आज तक भावांतर का पैसा नहीं मिला किसी को, मिला क्या? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। जोर से बोलो, मिला क्या? नहीं मिला। न भावांतर का पैसा, न फसल का पैसा, बीमा भी नहीं मिला यार। प्रधानमंत्री आज ग्वालियर आ रहे हैं, बोला था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी। एक एक किसान के खाते से आपकी अनुमति के बिना ये सरकार पैसा काटती है, और ये पैसा कहां जाता है मालूम है? शिवराज सिंह जी के सूट बूट वाले उद्योगपति दोस्तों के पॉकेट में ये 6500 करोड़ रुपए सारे से रूट में बैठे। अगर ऊपर नहीं दिखाओगे शासन दिखाएंगे। सेवादत्त, सही है कि नहीं? जो आप करोगे वो कांग्रेस की सरकार करेगी, जो आप नहीं कहोगे वो कांग्रेस की सरकार नहीं करेगी। महाराज सिंधिया जिंदाबाद, महाराज सिंधिया। फसल बीमा 6000 करोड़ हर साल शिवराज सिंह जी के सूट बूट वाले दोस्तों के खाते में, और अब आप साथ और जब ओलावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, पाला आता है, आप दावा डालते हो आपके हाथ में एक रुपया। और पेट्रोल डीजल की तो बात ही मत करना, सही है कि नहीं? क्यों सही है? मोदी जी जब आए थे 2014 में तब हर मंच से क्या कहते हैं, भाई और बहनों क्या देखिए, क्या देखिए भाई और बहनों, पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए या नहीं? अभी मजा नहीं, पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए या नहीं? डीजल के दाम कम होने चाहिए या नहीं? रसोई गैस का दाम कम होना चाहिए या नहीं? हाथ का दाम कम होना चाहिए या नहीं? आज क्या हुआ? 4 साल 5 साल होने आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। बुलेट ट्रेन तो नहीं आई, लेकिन पेट्रोल और डीजल का दाम बुलेट की तरह चल गया। डीजल का दाम 55 रुपए से 72, पेट्रोल का दाम 60 रुपया से, सचिन तेंदुलकर करो दशक में आ रहा है, सही है कि नहीं? रसोई गैस का दाम 414 से 1020।